दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों सामने जो मोबाइल देख रहे हैं यह है जियो का फीचर फोन और इसका मॉडल नंबर है F41T। दोस्तों इस मोबाइल के अंदर में प्रॉब्लम है कि यह मोबाइल कंप्लीट जो है ऑन नहीं होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस मोबाइल के अंदर में SPD IC लगा हुआ है। तो SPD CPU का कोई भी मोबाइल अगर आप मेडिकल बॉक्स से फ्लैश करते हैं, अगर आप फ्लैशिंग आपका एरर देता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको जो है जो तरीका मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, इसी तरीके से आप दूसरे SPD IC वाले मोबाइल को भी फ्लैश कर सकते हैं मेडिकल बॉक्स से। तो दोस्तों चलिए हम आपको दिखाते हैं पहले कि आप इस मोबाइल का जो फ्लैश फाइल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फ्लैश फाइल मैंने डाउनलोड कर ली है और इस फ्लैश फाइल को अगर आपको लेना है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दूंगा, उस वेबसाइट पे आप जाकर के उस वेबसाइट पे सॉफ्टवेयर पेज लिखा हुआ है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर पेज पे क्लिक करके आप इस फ्लैश फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो है मेडिकल बॉक्स ओपन कर लिया, SPD टूल मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे बूट नंबर हमें सिलेक्ट करना है 9822EMMC, ठीक है। तो ये बूट नंबर हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा 9822EMMC, तभी जा करके हम इस मोबाइल का फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्लैश करने का भी इसमें तरीका है दोस्तों, मैं बता दूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे फ्लैश फाइल सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि फ्लैशिंग करने में जो है अगर आप टोटल अगर फाइल्स अगर आप फ्लैश करेंगे तो ये मोबाइल फ्लैश नहीं होगा, आपको एरर देगा। आपको किस तरह से फ्लैश करना है आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से आप इस मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फ्लैश फाइल को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, उसके बाद मोबाइल को बूट कराना है। तो बूट कैसे कराना है, मोबाइल को ऑफ करना है, बैटरी निकालना है, फिर से बैटरी लगाना है, उसके बाद उसका एक नंबर बटन जो है उसका कंटिन्यू हमें दबा के रखना है और डाटा केबल लगाना है। और जैसे डाटा केबल लगाएंगे ऑटोमेटिकली जो है मोबाइल बूट कर जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल बूट कर चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक जो है यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है, फ्लैश फाइल का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे आपको टोटल फाइल से अगर आप फ्लैश करेंगे तो फ्लैशिंग एरर देगा, फ्लैशिंग नहीं होगा ये मोबाइल। तो आपको यहाँ पे जो है ऊपर से आपको जो है ये दो फाइल का आपको अनचेक करना होगा। तो दोस्तों किसी अदर मोबाइल, अदर किसी कंपनी का मोबाइल अगर आपके पास है SPD IC उसमें लगा हुआ है तो आप इस तरह से फ्लैश कर सकते हैं ऊपर से दो फाइल को, जो फाइल मैंने दिखाया उन दोनों फाइल को आप अनचेक करके आप SPD CPU का फ्लैशिंग कर सकते हैं, किसी तरह का एरर नहीं देगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली जो यहाँ पे फ्लैशिंग चल रहा है और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये मोबाइल कंप्लीट जो है यहाँ फ्लैश होगा। उसके बाद मैं आपको अभी वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि ये मोबाइल जो फ्लैश हो चुका है, ठीक है। तो फ्लैश होने के बाद इस मोबाइल को मैं आपको दिखाता हूँ ऑन करके अभी आपको कि ये मोबाइल के अंदर में जो हमारा प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम जो है दूर हुआ है कि नहीं। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वही मोबाइल है, ठीक है। चलिए हम इसमें बैटरी लगा रहे हैं दोबारा और इस मोबाइल को हम आपको ऑन करके यहाँ पे दिखाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोबाइल जो है कम्प्लीटली ऑन हो रहा है, पहले इस तरह का इंटरफेस नहीं आ रहा था, अब ये जो मोबाइल कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।